ग्वालियर में आज कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बस चलाते दिखे। ये सिटी बस थी, जिसने भी देखा वो एक बार अचरज में पड़ गया, क्योंकि वो एक आम ड्राइवर की तरह ड्राइविंग कर रहे थे। बस में सवार लोगों को ये सफ़र बहुत रोमांचक लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर आए थे। इस दौरान वो मोती महल पर स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर का उद्घाटन किया उन्होंने। इसके साथ ही करीब एक दर्जन सिटी बसें शहरी परिवहन के लिए सड़कों पर उतारी गईं। शहर में चलने वाली इन नई बसों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी और तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों ने सिंधिया से बस का निरीक्षण करने का आग्रह किया और कहा कि आप बस में बैठकर देखिए। इस पर सिंधिया ने तपाक से कहा, मैं बस में बैठूंगा नहीं, बल्कि बस को खुद चलाऊंगा। ये सुनकर स्मार्ट सिटी के अफसर दुविधा में पड़ गए, लेकिन वो कुछ कह पाते इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया तेजी से नई सिटी बस में चढ़ गए और लपक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने स्टीयरिंग थामा और बस को स्टार्ट कर रवाना हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस को ड्राइव करते हुए मोती महल से बैजाताल तक चक्कर लगाया। बस के इंतजार में स्टैंड पर खड़े आम यात्री इस बात से अनजान की बस को सिंधिया चला रहे हैं बस में चढ़ गए। पार्टी कार्यकर्ता बदहवास से बस के बाहर दौड़ते रहे। ज्योतिरादित्य ने कहा, ये जनता के लिए बस है और मैं जनता का सेवक हूँ, तो बस चलाने में भी अच्छा लगता है।